जब दुख से भी ऊपर उठे और सुख से भी ऊपर उठे, तो समझो उत्तरायण की शुरुआत हो गई। अगर केवल दुख निरर्थक लगता है और सुख सार्थक लगता है तो समझो अभी उत्तरायण की शुरुआत नहीं हुई है। पर सुख में फूलते नहीं और दुख में सिकुड़ते नहीं हैं, दोनों को निरर्थक समझ लिया तो समझो उत्तरायण की शुरुआत हो गई। और ऐसे उत्तरायण में जिसका प्रारब्ध पूरा हो और शरीर छोड़कर जाए तो ब्रह्म ब्रह्म विदोचना, इसी को कहा ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्ति। तो ये गुरु भक्ति है, बाकी और कौन गुरु भक्ति? केवल गुरु भक्ति योग पुस्तक पढ़ते रहने का नाम गुरु भक्ति नहीं है। केवल गुरु गीता के श्लोक रटते रहना, इसका नाम गुरु भक्ति मैं नहीं मानता। कोई मानता हो तो उसका उसको मुबारक। गुरु गीता का पाठ करके खड़ा हुआ और किसी से द्वेष कर रहा है, क्या तूने पाठ किया? गुरु भक्ति योग के 3 पेज पढ़ के उठा और गुरु की नजरों में खुद ऊंचा उठने के लिए किसी की शिकायत करके उसको नीचा गिरा रहा है। तेरे जीवन में उत्तरायण कभी नहीं हो सकता, दक्षिणायन रहेगा। कुछ पुण्य होंगे गुरु के पास रहने से, मरने के बाद स्वर्ग चला जाएगा, पर पुण्य पूरे होने पर फिर गिरा दिया जाएगा। मैं इसको गुरु भक्ति मानता हूं। जीवन में सुख में फूले नहीं और दुख में सिकुड़े नहीं, सम रहे। किसी ने हमको नीचा दिखाने के लिए कुछ कर दिया, कोई बात नहीं, सम रहो, ये गुरु भक्ति है। क्योंकि गुरु के ज्ञान को अपनाया जीवन में, गुरु को तो मानते हैं पर गुरु के ज्ञान को अपनाते नहीं, गुरु के कहे के विपरीत चलते हैं, तो ये कहां की गुरु भक्ति हुई? गुरु के सिद्धांत के विपरीत चलते हैं, कहां की गुरु भक्ति हुई? गुरु की आज्ञा स्व आग्रह के अनुरूप ही मानते हैं, ये कहां की गुरु भक्ति हुई? तत्र प्रयाता गच्छन्ति, उस मार्ग में चलो। महाजनो येन गतः सपन्था, जिस मार्ग में महापुरुष गए हैं, जिस मार्ग से ज्ञानेश्वर गए हैं, जिस मार्ग से नामदेव गए हैं, जिस मार्ग से संत तुकाराम गए हैं, जिस मार्ग से छत्रपति शिवाजी गए हैं, जिस मार्ग से बाला मर्दाना गए हैं, उस मार्ग से चले। महाजनो येन गतः सपन्था, यही गुरु भक्ति। थोड़ी देर अपने गुरु का चित्र लेकर बैठे, उनको एकटक देखा, बाद में देखो तो फिर वही चालबाजी और जालसाजी, ये गुरु भक्ति नहीं है। धर्म क्षेत्र में भी अगर कोई लड़ने को तैयार हो जाए तो कहां तू धर्म क्षेत्र में खड़ा है? धर्म क्षेत्र में भी अगर ईर्ष्या नहीं छूटी तो कहां छूटेगी? धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र माना कि धर्म के रास्ते पर कदम रखे, ये धर्म क्षेत्र है। केवल बाहर से ही एक धार्मिक स्थान में होना अच्छी बात है, परंतु भक्त धर्म के रास्ते पर चल रहा है, पर फिर भी अगर ईर्ष्या, अगर द्वेष, पार्टीबाजी ये सब नहीं छोड़ा तो फिर क्या होगा? उत्तरायण कैसे हो पाएगा? मीरा को देखो, कैसा उत्तरायण है। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, और कुछ सूझता ही नहीं उसको। राबिया को देखो, कुरान का वचन, खुदा से प्रेम करो, शैतान से नफरत करो, उसको काट दिया, शैतान से नफरत करो। हसन ने पूछा कि कुरान के वचन को किसने काटा? बोले मैंने काटा। क्यों काटा? बोले जब पाया कि खुदा हर दिल में मौजूद है तो मैं नफरत किससे करूं? और कुछ उसको याद ही नहीं है। मीरा अपनी सहेली को कहती है, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कहियो रे प्रभु आवन की, आवन की मन भावन की।
कहियो रे प्रभु आवन की, तुई कहियो रे प्रभु आवन की। आप न आवे लिख नहीं भेजे, आप न आवे लिख नहीं भेजे, बाण पड़ी ललचावन की, बाण पड़ी ललचावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कहियो रे प्रभु आवन की। मीरा को उसकी सहेली ने कहा कि हम तुझे बताएं कि प्रभु आ गए, तुझे पता नहीं चलेगा। बोले मुझे पता नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि मेरी आंखों से पानी बरसता रहता है, उसकी याद में आंसू रुकते नहीं। तो बोले आंसू पोंछ ले। बोले पोंछ तो लूं पर रुके तो पोंछूं ना। ये दो नैना कहो नहीं माने, दोने ना कहो नहीं माने, ये दोने ना कहो नहीं माने, दोने ना कहो नहीं माने। नदिया बहे जैसे सावन की, जैसे सावन की। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। कहा करूं कछुवश नहीं मेरो, कहा करूं कछुवश नहीं मेरो, कहा करूं कछुवश नहीं मेरो, कहा करूं कछुवश नहीं मेरो। पाख नहीं कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की। ये इसका नाम गुरु भक्ति है हुजूर, बाकी और कौन सी गुरु भक्ति? यही सच्चा वेद मार्ग है। बाकी वेद का ज्ञाता होकर वेदविद होकर घूमना कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। न आचरेत यस्तु वेदोक्तम स्वयं अज्ञो अजितेंद्रियः, जिसका आचरण वेद के अनुसार नहीं है वो अज्ञ है, अज्ञानी है। वेद पढ़े पर आचरण वेदोक्त नहीं है, और वेद भले न पढ़े हो आचरण वेदोक्त है, वो सच्चा वेदविद है। सहजोबाई राजस्थान में हो गई, उसने वेद पढ़े थे कि नहीं, मैं कुछ नहीं कहूं उस बारे में, पर इतना जरूर कहूंगा सहजोबाई वेदविद थी। सहजोबाई कहती है, इष्ट हमारे गुरु के चरणा, गुरु के चरण ध्यान ही धरना, गुरु के चरण लगे सो तारे, गुरु के चरण प्राण से प्यारे। ये सहजों की वेदविद्ता है।
ये सच्ची गुरु भक्ति है। भले सहजोबाई ने गुरु भक्ति योग नामक किताब न पढ़ी हो, गुरु गीता उसने पढ़ी थी या नहीं मुझे पता नहीं, पर सहजों का जीवन गुरु गीता के अनुसार है। गुरु के चरण मुक्ति फलदायक, सहजो गुरु के चरण सहायक। गुरु के चरण कमल चित राखूं, आठ सिद्धि नव निधि हूं नाखूं। अष्ट सिद्धि और नव निधि को मैं फेंक दूं, ठुकरा दूं, यही सच्ची सिद्धि है। सकल पदार्थ गुरु पग माही, गुरु पग पर से सब दुख जाही। गतिमति पलटे गुरु पग पर से, उत्तरायण हो जाए। गति मति पलटे, मति जो तामसी थी संसार में सुख बुद्धि थी वो पलट गई। गति मति पलटे गुरु पग पर से, गुरु के चरणों का स्पर्श हो गया, मेरी गति पलट गई, मेरी मति पलट गई। गति मति पलटे गुरु पग पर से, गुरु पग पर से त्रिभुवन दर से अनुभव हो गया। फिर गुरुपग पर से बंधन टूटे, मोह ममता की फांसी टूटे। गुरुपग पर से हरिपद पावे, होए अमर फिर गर्भ न पावे। ये सहजोबाई की खुद की गुरु गीता है। स्कंद पुराण में शिवजी की गुरु गीता है, ये सहजोबाई की गुरु गीता है। स्कंद पुराण की गुरु गीता उसने पढ़ी कि नहीं, पर उसका जीवन उसके अनुसार जरूर था। चरण दास पग महिमा भारी, बार बार सहजो बलिहारी। गुरु पग निश्चय परसिए, गुरु पग हृदय राख। गुरु के चरणों का निश्चय स्पर्श करो। गुरु पग हृदय राख, गुरु के चरणों को दिल में रखो। सहजो गुरु पग ध्यान कर, ए सहजो बाई कहती है गुरु के चरणों का ध्यान कर। गुरु के चरणों का ध्यान कर, यह भी देखना भूल मत करना, खाली गुरु के बाह्य चरण ही नहीं। कई लोग गुरु जी के केवल चरण की तस्वीर बनाकर रख देते हैं, केवल उतना ही नहीं है। पद पदुम परागा रस अनुरागा, वहां रस बुद्धि हो गुरु में, यही गुरु के चरणों में प्रीत है। गुरुपग निश्चय परसिए, गुरुपग हृदय राख। सहजो गुरुपग ध्यान कर, गुरु बिन और न भाख। और कहीं अपना चित्त मत लगा, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गहे। गुरुमत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे सो शिष्य होए निहाल। रोम रोम गुरु को रटे, राजस्थान में हुई ये सहजोबाई। राजस्थान में अद्भुत गुरु भक्त हुए हैं, सहजोबाई हुई, भूरीबाई हुई, फूलीबाई हुई, ये सब के जीवन में मीराबाई हुई, गुरु भक्ति गजब की थी। राजस्थान में इतनी देवियां हुई हैं। सहजोबाई की गुरु गीता है ये। मैं तो चाहूंगा ऋषि प्रसाद पत्रिका में ये सहजो बाई की गुरु गीता थोड़ी थोड़ी छपे ना, सबको पढ़ने को मिले कि राजस्थान में कैसी सहजो बाई हुई और उसकी खुद की गुरु गीता है, सहजो गुरु गीता। गुरु आज्ञा माने नहीं, सहजो बाई अब निंदकों का बताती है, गुरु आज्ञा माने नहीं गुरु ही लगावे दोष। गुरु की आज्ञा मानी नहीं और गुरु को दोष लगाता है कि मुझे गुरु से लाभ नहीं हुआ। क्लास में 29 विद्यार्थी पास हो गए, एक विद्यार्थी फेल हो गया, तो कसूर शिक्षक का नहीं है, विद्यार्थी का है, गुरु का नहीं है। खाना बनाना आता नहीं और बोले तवा खराब है, कुकर खराब है, गैस का चूल्हा खराब है, तेरा दिमाग खराब है, तुझे बनाना ही नहीं आता। नाचना आता नहीं और बोले आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नृत्य कला आती नहीं और बोले आंगन खराब है इसलिए हम नहीं नाच सकते। पेन खराब है इसलिए हम लेख नहीं लिख सकते। दिमाग खराब है, इलाज करा।
गुरु आज्ञा माने नहीं गुरु ही लगावे दोष, गुरु निंदक जग में दुखी मुए न पावे मोक्ष। गुरु का निंदक जग में दुखी होता है। मुए न पावे मोक्ष, मर जाएगा तो उसकी गति ऊंची नहीं होगी। हो ही उलूक संत निंदारत, उल्लू की योनि में चला जाएगा। सहजो भाई कहती है, ऐसों का दर्शन नहीं कीजिए, ऐसों का चेहरा भी मत देखना। ऐसों का दर्शन नहीं कीजिए, चर्चा बात गोष्ठी तज दीजिए। उससे चर्चा करूं, उससे बात करूं, जरा जरा उसके दिल में क्या है मैं जान लूं, उसको सुधार दूं। नहीं नहीं, चर्चा बात गोष्ठी नहीं कीजिए। सहजो भाई स्पष्ट मार्गदर्शन देती हैं, उनका संग करे जो कोई बेमुख निगुरा निंदक होई। वो भी हो सकता है विमुख हो जाए। अपने दिमाग को कचरा घर क्यों बनाना, अपने दिमाग को हरिद्वार की हर की पौड़ी बनाओ, गंगा बहे और भीष्म का जन्म हो जाए। गंगा ने भीष्म को जन्म दिया था। दिमाग ने उकड़ो बनावाने जरूर नहीं, लोग बना देते हैं कई कि हम उसके मन की बात निकलवा रहे थे, पर उसके मन का कचरा तुम अपने दिमाग में भर रहे थे। क्या जरूरत थी उसके मन की बात निकलवाने की, तुम अपने मन का कचरा निकालो ना जो है अभी। ये गुरु भक्ति है, इसका नाम गुरु भक्ति योग है। इससे भीष्म का जन्म होगा। उनका संग करे जो कोई बेमुख निगुरा निंदक होई, गुरु दोषी की गति कहां गाऊं। अपने मन ही को समझाऊं कि तू समझ जा, उनकी संगति न कर, उनसे दूर ही रहो। उनकी 84 नहीं छूटे। सहजो भाई कहती है उनकी 84 नहीं छूटेगी। मनमानी नहीं छूटी तो 84 क्या छूटेगी। मनमानी छूटे तो 84 छूटे। उनकी 84 नहीं छूटे, काल ज्वाल यम दंड न टूटे। यमराज की फटकार बराबर लगती रहेगी, फिर योनि संकट आवे गर्भवास में अति दुख पाए। गर्भवास करेगा बार बार। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। सहजो भाई कहती है जग में पात बबूला जैसे, जीवत प्रेत निशाचर जैसे, ऐसा निंदक जीते जी भूत प्रेत जैसा है। तुलसीदास जी ने भी कहा, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलही वचन विचारे। ये चैनल पे जो कोई निंदा करते हैं, कोई वचन विचार कर बोलते हैं, विचार कर नहीं बोलते साहब, ये तो उनको लिख कर दे दिया जाता है, सामने लिखा होता है, पढ़ पढ़ कर बकते रहते हैं। सच्ची बात नहीं होती, सोची हुई बात होती है। गंदगी का ढेर जिसका दिमाग है, उसके दिमाग से निकला हुआ कचरा होता है वो, और वो पढ़ पढ़ के बोल देता है। तो ये क्या है, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलही वचन विचारे। विचार कर नहीं बोलते हैं, ये तो उनकी साजिश होती है। समय आएगा पता चलेगा। स्टिंग वाली सीडी ही नहीं, और भी कई आएंगे आगे, देखते जाओ। ये प्लान बनाते हैं कि देखना हमारे घर में अमुक प्रसंग हो जाए, फिर मैं खुद पे हमला करके भी बापूजी की गिरफ्तारी का षड्यंत्र बना रहा हूं मैं। ये षड्यंत्र बनाए जाते हैं, पहले से साजिशें रची जाती हैं।
बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोल नहीं वचन विचारे, पर सोचते नहीं कि तू किसकी गिरफ्तारी का षड्यंत्र बना रहा है प्यारे। हवा को कोई कैसे जेल में डाल सकता है हा? आकाश में उठती हुई अग्नि की लपटों को कोई कैसे कैद कर सकता है? सूर्य और सूर्य की किरणों को कोई कैसे कैद कर सकता है? चंदा और चंदा की शीतलता को कोई कैसे कैद कर सकता है? गंगा की धारा को कोई कैसे कैद कर सकता है? वायु को कोई कैसे मुट्ठी में कैद कर सकता है? अरे वायु को सबको ऑक्सीजन दे रही, सबको प्राण दे रही है। उसी प्रकार बापू का ज्ञान, बापू की दृष्टि, बापू का सानिध्य वो भक्तों को जीवन दे रहा है, प्राण दे रहा है। सहजो बाई कहती है, जग में पात बबूला जैसे, जीवत प्रेत निशाचर जैसे, मन मैला तन सदा उदासी। मन मैला है, तन सदा उदासी, गल में दंभ कपट की फांसी। दंभ और कपट सदा है उनके गले में। सहजो तिनसे दूर ही भाजे, सहजो बाई कहती है कि मैं तो उनसे दूर ही रहती हूं, तुम भी दूर रहना। सहजो तिनसे दूर ही भाजे, नाम लेत मम रसना लाजे। उनका नाम लूं तो मेरी रसना को लज्जा आ जाए कि मैंने उनका नाम कैसे ले लिया। नाम लेत मम रसना लाजे, मेरी रसना को, मेरी जीभ को लाज आती है कि मैं उसका नाम लूं। गंगा नहाने जाना पड़ेगा तब शुद्धि होगी। नाम लेत मम रसना लाजे, सहजो तिनसे दूर ही भाजे। सहजो भाई कहते हैं मैं तो दूर रहती हूं, तुमको दूर रहना तो रहो, न रहना है तो फिर तुम्हारी मर्जी।